प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 6 से सोशल साइंस में पाठ 5 चलेगा। पाठ 5 में आपको पढ़ना है बच्चों, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हाँ, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य में चुनाव का दिन आता है। जब शंकरन उठा, जय शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वह चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, ये बात आती है बच्चों। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से। तो कुछ लोग शासक कैसे बने, ये आता है आपका। कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग शासक कैसे बने, ये प्रश्न आता है। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से। उत्तर में आता है बच्चों, लगभग 50 वर्षों से लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं और रहे हैं। हाँ, तो बच्चों, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जनयानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ
परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राज्य उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वो राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कोई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। बीच अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। जनपद, अब आता है आपका जनपद। जनपद क्या चीज है? जनपद, जनपद महायज्ञों को करने वाला, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। महायज्ञों को करने वाले राजा, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां, बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ हुआ महायज्ञों को करने वाले राजा। महायज्ञों को करने वाले
राजा महायज्ञों को करने वाले राजा, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होगा। अब जन के राजा न होगा। अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपदों के राजा माने जाने लगे। ये जनपद शब्द का अर्थ है महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। क्या इस सूची में, हाँ क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं हुआ? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ भूसा और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित भूसा पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये सरल रेखाओं तथा ज्यामिति आकृति के रूप में महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ अधिक महत्वपूर्ण इन्हें महाजनपद कहा। नहीं आ रही यार। महाजनपद का दावा है महाजनपद किसकी सर की? तो बच्चों हेलो सर। हेलो। करीब 2500 साल पहले, करीब शिवम पच्चीस यार आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर। अरे वे खोल ले हेडफोन जैसे बना होगा किनारे में। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कुछ हेलो रीता। हेलो हेलो जनपद बोल किनारे में हेडफोन जैसे बना होगा उसको खोल ले। मैं तो खोला हूँ तो आ जाए। अधिक महत्वपूर्ण हो गए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महत्वपूर्ण हो गए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद कहा जाने लगा। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये हो गया महाजनपद। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के नियंत्रण रखना सरल भी हो जाता था।
इस तरह की विशाल दीवार बनने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवता आहत सिखों एलियन के रूप में होता था। इन सिखों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। कर क्या चीज है इसके बारे में देखें। कर आता है आपका महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महल जनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। आप नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ये हो गया आपका कर का परिभाषा। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। उसको नोट कर लें। और दूसरा है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में
इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, हल के साल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के थाल की तुलना में लोहे के थाल से आसानी से जोता जा सकता है, जिससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया तथा खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर का काम कर्मकार करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सूक्ष्म निरीक्षण। मगर दो बहुत ही शक्तिशाली शासक विद्वान तथा आजाद तत्व हुए। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार। पहला नंबर है बिंबिसार। नंबर एक में आपका है बिंबिसार। नंबर एक में बिंबिसार तथा अजातशत्रु। तथा दूसरे नंबर में आपका होगा अजातशत्रु। ये दो शक्तिशाली शासक थे। पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। दो शक्तिशाली थे ये शासक। अब जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र एक उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना जो राजधानी बनाया गया 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वही जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे।
सभाओं में बैठकर ये बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वह मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा स्तंभकार इस सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ के संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब देखेंगे कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तो अध्याय 10 में पढ़ोगे। तो आइए कुछ शब्द हैं या आओ याद करें, सही या गलत बताओ। अब इसमें आएगा सही या गलत। प्रश्न नंबर है आपका, प्रश्न है सही या गलत। सही या गलत बताओ। कुछ लिख ले यार। सही या गलत में आपको नोट करना है। पहला का नंबर है अश्वमेध, अश्वमेधो का नंबर, अश्वमेधो नंबर एक है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य के, अपने राज्य के, आवाज नहीं तो गूंज रही है, ये लाइव है जी। घोड़े को अपने राज्य के, हाँ चुटकुल, अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले, अपने राज्य के, मैं रिकॉर्ड कर ले आपका गुजरने मोबाइल दे तो कौन है, कौन है छूट देने वाले। सौरभ शर्मा का तुम्हें ना वीडियो बना कौन खोलो माई क्या है देने वाले क्या है जीवन को देख। अरे यार इसको देख 37 वाले पढ़ दिया है। राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। राजाओं को आरिता पता नहीं रे पता वो इंद्र पढ़ाई हुई मंत्रित ये लोग फिर ये किया जाता था, किया जाता था। आप इसमें देखना है अश्वमेध, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य में, अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही या गलत बताना है तो ये आपका सही है, सही का टिक लगा दिया, सही। दूसरा है राजा के ऊपर सारथी, आपका है गुलाम वर्मा जी हैं। अच्छा कंपट को राजा के
जो पूछेगा तो गिरा दे यार। राजा के ऊपर सारथी, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव। जाति की नहीं कहा थी अब हूँ आओ जल ये वाली लाइव मत है छिड़काव राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, ये आपका गलत है। इसमें 2000 नहीं लगी थी। हाँ ये हेलो अंकल ना म्यूट बंद करिए। स्टार्टिंग हेलो अंकल हेलो अपना माइक बंद करिए अंकल। हेलो 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 अंकल। पुरातत्व विदों को जनपदों की बस्तियों में। हेलो अंकल माइक बंद कर लीजिए अंकल, माइक बंद कर लीजिए। बस्तियों में जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। गलत, इसमें बुरे का निशान है, गलत गलत है। इसके बाद है चित्र दूसरा भाग, चित्रित धूसा, चित्रित चित्रित धूसा, चित्रित धूसा, चित्रित धूसा पात्रों में आराम, पात्रों ने अनार, चित्रित धूसर पात्रों में अनार रखा जाता था, पात्रों में अनार रखा जाता था, रखा जाता था। ये आपका क्या है, ये आपका सही है, इसमें सही का निशान लगाया। अब इसके बाद आपका अगला है महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे, महाजनपदों में महाजनपदों लगा ले तू महाजनपदों में बहुत से महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे, बहुत से नगर किला बंद, किला बंद थे, महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे, किला बंद थे। ये आपका सही था। इस तरह से आपका पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, तीसरा वाला गलत, चौथा आठवां सही और महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे ये भी सही। इस तरह से आपका ये सही जवाब हो गया, ये आपका हो गया। अब समय भी आपका पूरा होने वाला है। सभी बच्चों से नमस्कार।
इसको तैयार कर लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे यार सर नमस्ते। सर हेलो सर। सर एलियट सर नमस्ते।